रात थी 1 जून 2001 की। नेपाल के राजा बीरेंद्र और उनका परिवार नारायण हिती महल में हंसी खुशी जश्न मना रहे थे, लेकिन जश्न में शामिल किसी भी इंसान को ये पता नहीं था कि ये जश्न नहीं बल्कि उनके मौत का पैगाम था, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद उस जश्न के आयोजक युवराज दीपेंद्र शाह अपने एक हाथ में राइफल और दूसरे में मशीन गन लिए महल में घुस गए और फिर सिर्फ चंद मिनटों में नेपाल के पूरे रॉयल परिवार के साथ उन्होंने खुद को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। क्या इस जश्न का आयोजन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बेरहमी से मारने के लिए किया था? अगर हाँ तो क्यों? Well, इसका जवाब तो पिछले 20 सालों से सब ढूंढ रहे हैं, पर वो आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन कुछ थियरी जरूर है दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें से पहली थियरी के हिसाब से दीपेंद्र जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की उनके परिवार को ना पसंद थी। दूसरी थियरी ये थी कि वो अपने पिता को मारकर खुद राजा बनना चाहते थे, और तीसरी कि ये सब 250 साल पहले लगे एक श्राप का किया धरा है। एक ऐसा श्राप जो शाह परिवार के सबसे पहले राजा को मिला था। बट आखिर क्या था ये श्राप और किसने दिया था राजा? और अगर हम थियरीज की बात कर ही रहे हैं तो हम उस इंसान को नहीं बोल सकते जिसका इसमें सबसे ज्यादा फायदा होना था, ज्ञानेंद्र शाह, राजा बीरेंद्र के छोटे भाई, जिन्हें इस पूरे हादसे में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और आगे जाके वो नेपाल के नए राजा बन गए। तो क्या असली कातिल ज्ञानेंद्र ही थे? Well, hello friends, मैं हूँ गौरव और आज इन्हीं सारी थियरीज और सवालों को सुलझा के हम जानेंगे कि क्यों और किसने नेपाल की रॉयल फैमिली का कत्लेआम किया। In our today's video titled, Why did the Prince of Nepal organized a royal massacre? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। दरअसल शाह परिवार का एक ट्रेडिशन था, वो हर महीने में एटलीस्ट 2 बार मिलते ही थे, लेकिन उस 1 जून की बात कुछ अलग थी, क्योंकि उस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दीपेंद्र ने खुद पर ही ली थी। वो हफ्तों पहले से सभी को कॉल करके पूछ रहे थे कि वो पक्का पार्टी में आने वाले हैं कि नहीं, और तब सभी को यही लगा कि दीपेंद्र खुद पार्टी के प्लान से कितने एक्साइटेड थे। लेकिन असल में किसी को ये नहीं पता था कि दीपेंद्र पार्टी नहीं बल्कि कुछ और चीज का प्लान कर रहे थे। फिर आया पार्टी का दिन और ज्यादातर लोग 8 बजे तक आ गए थे, और सभी ने ये नोटिस किया कि दीपेंद्र बहुत ज्यादा पी रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि सबको पता था कि दीपेंद्र पीकर भी खुद को संभाल सकते थे। लेकिन एक समय के बाद वो सबके सामने गांजा पीने लगे, ये भूल के कि उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों और परिवार के सामने सिगरेट तक पीना अलाउड नहीं था। और वैसे तो परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें तब नहीं देखा, पर जैसे ही उनके भाई निरंजन और कजिन पारस की नजर उन पर पड़ी तब वो दीपेंद्र को उठाकर कमरे में लेकर गए, और उसके कुछ 40 मिनट गुजरते ही दीपेंद्र अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने और दोनों हाथों में बंदूक लिए वापस बाहर आए और सीधा अपने पिता को गोलियों से छल्ली कर दिया, जिसके बाद वो एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को मौत के घाट उतारने लगे। और बस देखते ही देखते सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर हर कोई सदस्य खून में लथपथ पड़ा हुआ था। कुछ जख्मी थे तो कुछ लोगों ने तो वहीं पर ही दम तोड़ दिया था। और ये सब करने के बाद दीपेंद्र ने बंदूक खुद के सर पर ठान ली और गोली चला दी।